मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए। एक साल हम लोगों को अवसर मिला और एक साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हो। अगर वो यादवों के असली नेता हैं तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती दी है। सोमवार को वाराणसी पहुंचे निरहुआ ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को खुली चुनौती देता हूं। वो आजमगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ें, पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सीधा। निरहुआ ने यह भी कहा कि हम उनको खुली चुनौती देते हैं, वो फिर से आजमगढ़ से चुनाव लड़े। वो पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अब जनता उनसे दूर जा चुकी है। बीजेपी सांसद निरहुआ का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी सीट से दांव आजमाएंगे। आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए, तो एक साल हम लोगों को अवसर मिला और एक साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। इसके अलावा निरहुआ ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा यादवों के अधिकार का दुरुपयोग किया है, वो असली हितैषी नहीं है। निरहुआ ने यह भी कहा कि अगर वो खुद को यादवों के सबसे बड़े नेता मानते हैं तो उन्हें इंडिया अलायंस के साथ न जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए था। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। वो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना है तो भाजपा के साथ करते, वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो करहल से विधायक चुने गए और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां हुए उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी के टिकट से लड़कर जीत दर्ज की थी। निरहुआ ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी थी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव से पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव सांसद थे।